हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि सारत अली 15 दिन से घर पर बैठे हैं, उन्हें काम नहीं है करने के लिए क्योंकि उन्हें परेशान किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। वहीं इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है उस लड़की का, जिस लड़की ने बेवजह कैब ड्राइवर पर हाथ उठाया था। जी हाँ, लड़की ने एक ऐसा बयान दिया है पुलिस को लेकर जो चौंकाने वाला है। लड़की का कहना है कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है। देखिए, जब कोई भी हथकंडा नहीं चलता तो इस तरह की बयानबाजी की जाती है, जब मीडिया प्रेशर भी काम नहीं आता और जिस तरह से आप विमेन कार्ड खेलती हैं वो भी नहीं चलता, तो फिर लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि पुलिस को ही गलत साबित कर दिया जाए। और ऐसा ही कुछ करती हुई नजर आ रही हैं प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुलिस उन पर लगातार दबाव बना रही है। वेल, अगर दबाव बना रही है तो पुलिस अच्छा ही कर रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पुलिस आप पर दबाव नहीं बना रही है। साथ ही साथ प्रियदर्शनी ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो है सारत अली वो बॉस बन चुके हैं, मीडिया भी उनके साथ है। अब ये मीडिया के भी खिलाफ जा रही हैं और उसी मीडिया के खिलाफ जा रही हैं जो इनसे पैसे लेकर इनकी तथाकथित कहानियां, बड़ी रोचक कहानियां रोज सुनाता है। वेल, हमने पहले ही कहा था कि ये किसी की नहीं हो सकती और ये सच है, ये किसी की नहीं हो सकती। एक तरफ पुलिस जो कि उनकी हेल्प कर रही है उसको गलत बता रही है, दूसरी तरफ मीडिया को भंड रही है, और तीसरी तरफ ये पुलिस को जो कह रही हैं कि दबाव बना रही है। तो पुलिस का एक सच आपको बता देते हैं, इस पोस्ट को गौर से देखिए। ये पोस्ट तब की है जब मैडम ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट नहीं किया था, और तब का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें ये मैडम साफ लिख रही हैं #IndianDefense का दल्ला, यहाँ पर थल्ला लिखा है लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या कह रही हैं। ऑफिसर, गलती तुम्हारी नहीं है, एक ऑफिसर को गाली दे रही हैं, गलती तुम्हारे पैदा करने वाले की है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं मेडिकल रिकॉर्ड लगा दूँ तो तुझे जेल से कोई बचा नहीं सकता। अब समझिए, मैं इंडियन डिफेंस को जो लड़की गाली देती है और उसका सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, और सबूत इस वीडियो में है, जो चाहे इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहे वो कर सकता है, कि अगर एक इंसान जो इंडियन डिफेंस को गाली देता है और वो ये कहता है कि पुलिस उसके ऊपर दबाव बना रही है, अगर पुलिस ने दबाव बनाया होता और पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो इसी पोस्ट के ऊपर पुलिस आपको धर लेती। लेकिन राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर पैर से लेकर सिर तक है। अगर दबाव ना होता और कहीं आप दिल्ली में होती तो अब तक तो आपको, आप सोच नहीं सकती कि आप कितने लंबे समय तक जेल चली जाती, क्योंकि पुलिस यहाँ पर इंडिविजुअली काम करती है और वहाँ पर शायद नहीं कर पा रही है। अगर पुलिस ने ये नहीं देखा है पोस्ट तो दरख्वास्त करेंगे कि पुलिस ये पोस्ट देखे, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है #IndianDefense के बारे में, और गलत लिख रही हैं। इसके ऊपर एक जनहित याचिका भी लगाई जा सकती है कि अगर कोई इंडियन डिफेंस को लेकर ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता है कि उसके ऊपर क्या चार्ज लगाए जा सकते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम अपने डिफेंस की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो भी एक ऐसी बदतमीज़ लड़की से जिसको यही नहीं पता कि बोलना क्या है, जिसको अक्सर लड़ाई करनी होती है कुछ पुलिस वालों के खिलाफ, और उन पुलिस वालों को कहती है कि वो अपने घर को एंटी ब्लैक कर लें। अगर वो एंटी ब्लैक नहीं करेंगे तो वो इंडियन डिफेंस को गाली देगी, अगर वो एंटी ब्लैक नहीं करेंगे तो वो जो मूड में आएगा उसकी वो बोलेगी, और उसके बाद विमेन कार्ड खेलेगी, उसे कोई नहीं रोकेगा। वेल, क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के ज्यादातर अपडेट छोड़ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।